आज के इस विशेष अवसर पर आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर बी एस राजपूत साहब, विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित भदौरिया साहब, डॉक्टर मौर्या जी, डिप्टी रजिस्ट्रार अश्विनी दुबे साहब, सभी संकाय के विभाग अध्यक्ष, शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ, मैडम लोग, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन जितना ही पावन है उतना ही महत्वपूर्ण है। आज भारतीय लोकतंत्र का यह ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हमारे भारतीय संविधान की नींव रख के इतनी मशक्कत के बाद आज 26 नवंबर 1949 को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुए थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था की यदि आत्मा किसी को कहा जा सकता है तो वह है हमारा भारत का संविधान। भारत का संविधान जितना जीवंत है उतना ही संवेदनशील है। भारत का संविधान जितना ही जवाबदेह है उतना ही सक्षम है। भारतीय संविधान जब देश हमारा अंग्रेजी हुकूमत के बेड़ियों में झगड़ा हुआ था, 1942 में गांधी जी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन के 5 वर्ष बाद हमें आजादी मिली। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर हमारा संविधान तैयार हुआ। तो संविधान की बैठक के चर्चा के दौरान बहुत सारे महान संविधान निर्माताओं ने अपना अहम योगदान दिया। आज दिन है उन संविधान निर्माताओं को नमन करने का भी, जिन्होंने अपने विचारों से, अपनी प्रस्तुतियों से, अपने मेहनत से, ईमानदारी से उद्देश्य को, देश को जोड़ने के लिए सहयोग किया। हमारे संविधान ने भेदभाव, जो हमारे समाज में कुरीतियां थी, विसंगतियां थी, उसको दूर करने का एक दस्तावेज दिया। और इसी दिन, आज के ही दिन, आज से 71 वर्ष पूर्व हमने एक राष्ट्र के रूप में यह तय किया था कि हमारी दिशा क्या होगी, हम किस निर्देशों पर चलेंगे, किस नियमों पर चलेंगे। और इन नियमों के एक एक शब्द बड़े पवित्र हैं, पूजनीय हैं। हम आज उन सभी संविधान निर्माताओं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों या हमारे अध्यक्ष श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हों, अंतरिम अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी ने इसकी शक्ति को पहचानते हुए एक बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मानव जीवन की द्वारा अगर कोई रचित रचना जो अमर हो, वह हमारा भारत का संविधान है। यानी भारत का संविधान अमर है और सभी को सहयोग प्रदान करने वाला है। देश में आज 71 वर्ष में, जैसे आज ही के दिन हमारे राष्ट्र की कल्पना हुई थी, आज ही के दिन से हमने एक नई दिशा के लिए मार्गदर्शक के रूप में अभिभावक मानते हुए हमने चलना प्रारंभ किया था। और इसी के साथ आज हम इतनी नई ऊंचाइयों पर विकसित होते जा रहे हैं। चाहे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म की उपासना, प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीघ्र सुक्त सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुए थे। आज 26 नवंबर हमारा 71वां लॉ डे है, संविधान दिवस है। इसी के उपलक्ष पर संस्था पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए मार्गदर्शन लेती हैं।
बाबा साहब ने कहा था, चाहे युद्ध का समय हो या शांति का समय हो, सबको एकजुट रखने की ताकत है वह हमारा भारत का संविधान है। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि यदि संविधान को रखकर यदि कोई गलत कार्य किया भी जाए तो उसमें गलती संविधान की नहीं होगी, उसमें गलती संविधान का पालन करा रहे संस्था की होगी। तो आज इस लौड़े पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।